नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। एक सनसनीखेज खुलासा जिसका था इंतजार। लालू यादव के बड़े पुत्र एवं बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद से बगावती तेवर अपनाते हुए आखिरकार आज लालू राबड़ी मोर्चा का गठन कर ही दिया और अपने चहेते उम्मीदवार की घोषणा कर ही दी, जिसमें शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार अंगेश कुमार सिंह उर्फ अंगराज होंगे। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बताया कि अंगेश कुमार सिंह राजद के समर्थित कर्मठ व ईमानदार उम्मीदवार के साथ साथ कुशल कार्यकर्ता भी हैं। शिवहर की जनता की मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में अंगेश कुमार सिंह अंगराज ही शिवहर लोकसभा के राजद के प्रत्याशी होंगे, जिनके नामांकन में मैं शिवहर रहूंगा और शिवहर लोकसभा क्षेत्र का पूरा चुनाव मेरे ही देखभाल एवं निगरानी में होगा। उन्होंने बताया कि ये राजद की उम्मीदवार होंगे जो हमारे पिताजी एवं हमारे छोटे भाई दोनों के आदेशानुसार यह नामांकन के दिन ही मैं शिवहर में लोगों के बीच जाकर यह संदेश दूंगा कि उम्मीदवार अंगराज ही होगा। इन्हें भारी मतों से जिताने एवं शिवहर की धरती के लाल का हाथ मजबूत करने का अपील मतदाताओं से करूँगा। मोबाइल पर उन्होंने फोन करके यह घोषित किया कि शिवहर का चुनाव छठे चरण में होना है, इसलिए अभी बिहार की टिकट बंटने के बाद शिवहर का टिकट देकर उन्हें शिवहर भेजेंगे। अंगेश जी का पैतृक घर शिवहर ही है। वहां के मतदाता राजद से बार बार स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग कर रही है, जिसे मैंने पूरा किया है। इसी आधार पर अंगेश कुमार सिंह अंगराज के नाम की घोषणा मैंने किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास एवं भरोसा है कि शिवहर की मतदाता हमारे प्रत्याशी अंगेश कुमार सिंह अंगराज को अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से जिताकर राजद का हाथ मजबूत करेंगे एवं शिवहर के लाल को शिवहर के हित में दिल्ली भेजने का काम करेंगे, जिससे शिवहर लोकसभा का कल्याण एवं चौमुखी विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं राजद परिवार के हित में यह कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि शिवहर एवं राजद परिवार के हित में अंगेश कुमार सिंह अंगराज के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी पार्टी लाइन के अनुकूल नहीं हो सकता है। शिवहर के मतदाता हमारे व राजद परिवार का मान और सम्मान की रक्षा अवश्य करेंगे।